जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 3:50 हो गई है, 3:50 PM, और मार्केट अभी 20 मिनट पहले बंद हुआ है। चश्मा भी लग गया मुझे, आजकल नज़दीक का तो बहुत कम दिखता है। लैपटॉप पे इतना बैठ गया हूँ कि यू पीपल कांट इमेजिन। अब चश्मे के बिना नहीं दिखाई दे रहा नंबर्स भी, नज़दीक के दूर के तो सब दिखते हैं। तो 3:51 PM और आज तो मार्केट ने प्रूव कर दिया व्हाट इज पीजे। तो कुछ ज़्यादा बोलने की तो दरकार ही नहीं है मुझे आज। मेरे वीडियोस काफ़ी है आज के, और उसके बाद मैंने बनाया भी नहीं आज। और आपको और एक चीज़ बता देता हूँ आज, कि अब सीधा मंगलवार को वीडियो बनाऊंगा, वो भी मुझे लगेगा। कल भी नहीं बनाऊंगा और मंडे को भी नहीं बनाऊंगा, और ये प्रॉमिस है, नहीं बनाऊंगा। क्योंकि मतलब ऐसा हमारे गुरुजन बोलते हैं मुझे, जो गुरु को मैं मानता हूँ, कल कल मैं जा भी रहा हूँ वहाँ इंदौर। इस टुमरो नाइट आई विल बी गोइंग इंदौर, और अभी भी मेरे गुरुवर नेमावर में ही है। तो परसों सुबह जब मैं वहाँ पहुँचूँगा, मैं उनसे मिलने ज़रूर जाऊँगा। तो उनकी कुछ बातों मुझे आज भी याद रहती, कि खुद के लिए किया तो क्या किया, सबके लिए कर, तब तेरा अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो आज ये वीडियो आप लोग देखो, अभी तक भी इसको 1,000 लोगों ने देखा है, जब 25,000 सब्सक्राइबर में से 1,000 लोग देखेंगे। 9:36 का ये वीडियो है। हाँ, इसका इसका वीडियो का आपके सामने, इसमें बैंक निफ्टी का लाइव कॉल बनाया मैंने आपके सामने, वीडियो बनाते वक्त ही, और तुरंत डाल दिया है वीडियो को, और सबको फायदा हुआ होगा जिसने जिसने देखा। लेकिन जो लोग नहीं देख पाए, उनको क्या फायदा हुआ। और ये गुड मॉर्निंग पोस्ट, एज इट इज जैसा बोला वैसा मार्केट हुआ, एज इट इज। कल रात को 1:30 बजे, ऑलमोस्ट 1 बजे, मिडनाइट, ये वीडियो भी बनाया, उसमें भी यही बातें बोला, और सब ऐसे ही मार्केट ने साबित किया। आज सारे के सारे यूट्यूबर्स, 99% यूट्यूबर्स रॉन्ग रहे, सब ने मंदी लिया था। मैं अकेला विथ लॉजिक विथ चार्ट्स, मैंने रात के 1 बजे के वीडियो में भी समझाया था, आज गुड मॉर्निंग में भी समझा, और ये कॉल भी लाइव दिया जब मार्केट गिर रहा था 9:36 पे, और इसको प्रूफ करके दिखा दिया 10:44, और लास्ट तक ऐसा ही रहा। तो आप चेक करो। लेकिन अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर ये 1,000 और 2,000 लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे नहीं बनाना। और अभी भी ये जो इसमें जरूर आप लोग 4,000 साढ़े 4,000 5,000 लोग व्यू कर लोगे, लेकिन अब मुझे नहीं बनाना है। मतलब नहीं बनाना है, ऐसा नहीं कि मैं सबसे नाराज़ हूँ, मैं किसी से भी नाराज़ नहीं हूँ। मैं नाराज़ हूँ कि लोग इतने मतलबी होते हैं कि एक इंसान आपके लिए रात या दिन कभी भी नहीं देखता। कोई भी समय मुझे कुछ भी काम हो, मुझे लगता कि ये पॉइंट आई शुड शेयर विथ माई फॉलोअर्स, दोज हू वॉचेस माई चैनल, तो मैं इमिडिएटली उसका वीडियो बनाता हूँ। मेरा कोई भी काम उसके लिए खोटी हो रहा है, मैं करता हूँ उसको। मुझे आप लोग कोई 1 या 2 रुपये या 5 रुपये या 100 रुपये भी नहीं भेज रहे हो, जो मुझे करना ज़रूरी है, लेकिन मैं करता हूँ ताकि आपका घर बैठे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। आज इसको आप देख लो, और इस लेवल का कोई एक भी है हिम्मत वाला तो दिखा दो मुझे। और इस वीडियो को भी ज़रूर देखना जो रात को बनाया था, और गुड मॉर्निंग पोस्ट को भी देख लेना। क्या देखा है, 1,400 लोगों ने गुड मॉर्निंग पोस्ट देखा। तो भाई साहब, मुझे नहीं चलाना चैनल, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको लालच है ना कि मेरा चैनल से, क्योंकि जो उल्लू बनाने के लिए आते हैं चैनल में, उनको आना पड़ता है लाइव, और वो बार बार कि ये है वो है, और अपनी बातों, मैं कभी बातों, इफ़ आई एम रॉन्ग आई एडमिट आई एम रॉन्ग, इफ़ आई एम राइट आई से आई एम राइट, ओके। और रही बात ट्रेनिंग की, तो मैं ट्रेनिंग के लिए इन्फॉर्मेशन हर वीडियो में डाल दूंगा कि अब ये ट्रेनिंग है। तो मंगलवार तक तो मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आज आपको ज़रूर देता हूँ कल क्या हो सकता है मार्केट का। लेकिन किसी से नाराज़ नहीं हूँ, नाराज़ अपने आप से हूँ कि मैं आप लोगों को इतना भी कन्विंस नहीं कर पाया कि आप वीडियो को शेयर करो। आप इधर उधर घूमते हो, इधर उधर सारे वीडियोस, तो इसको शेयर नहीं करोगे ताकि आपके दोस्त को भी फ़ायदा हो जाए, आपके रिलेटिव को भी फ़ायदा हो जाए। तो क्या आपका ये चैनल नहीं है? मैं हमेशा बोलता हूँ, ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया। ये विद्यासागर मेरे गुरुवर का नाम है,
विद्यासागर द सी ऑफ स्टॉक मार्केट एजुकेशन, द सी मतलब विद्यासागर, विद्या का सागर। तो इसमें नाम में ये छुपा कि मैं विद्या सागर की तरह हर जगह फैलाना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट की विद्या जो मुझ में थोड़ी बहुत है वो मैं सबको देना चाहता हूँ, और आपकी मर्जी है। तो मंगलवार तक का तो प्रॉमिस हो गया कि आई विल नॉट मेक सिंगल वीडियो आफ्टर दिस वीडियो। ये मैं इसलिए बना दे रहा हूँ कि मैं गद्दार नहीं हूँ, ठीक है? अब मंगलवार भी मुझे लगेगा तो मैं बनाऊँगा वीडियो, ठीक है? ये देखो, आप इस वीडियो को जरूर देखना आप लोग जो नहीं देखे हो, और देखना क्या लाइव कैसे बोला, एग्जैक्टली उसी समय बोला कि अब बैंक निफ्टी ले लो, और ये भी बताया कि 350 से 400 के बीच में ही लेना है। देखो आजकल लो 361, और उस समय लाइव चल रहा था 400 390, मैंने बोला यहाँ मैं बाई करता हूँ आप भी कर लो। तो जो भी हो इस वीडियो को आप सुन लेना, देख लेना टैलेंट क्या है। और रही बात ट्रेनिंग की, तो परसों इंदौर में है और उसके बाद 24 को दिल्ली में है, तो ये दोनों की सीट्स ऑलमोस्ट फुल है। जिसको भी आना है तो आज और कल के अंदर, इंदौर तो आज ही रात को बुकिंग बंद है, टू नाइट जो भी आएगा उसको अलाउ किया जाएगा, कल आएगा कोई चांस नहीं है। दिल्ली में भी मैं मंडे या ट्यूसडे तक बुकिंग लूँगा, या मैक्सिमम वेनेसडे, उसके बाद नहीं लूँगा। और ना मैं ऐसा लालची हूँ कि मुझे पूरा भरना है हॉल, जितने लोग आते हैं सबको नहीं लेता हूँ मैं, आप पता कर लेना, जो आए हो उनको भी पता है। और जो बल्कि मैं तो ऐसा इंसान हूँ, अगर फीस 11,000 है और किसी ने 5,000 की रिक्वेस्ट की तो उसको लेता हूँ, 11,000 वाले को ना कर देता हूँ। तो कुछ आप लोग समझोगे जब मुझसे मिलोगे पर्सनली। एनीवे दोस्तों, अब रही बात इसकी कि मंगलवार को वीडियो बनाऊंगा या नहीं, वो भी श्योर नहीं है, लेकिन मंगलवार को बनाऊंगा। अब आज नहीं, कल नहीं बनाऊंगा, कल आफ्टर मार्केट, हालांकि कल तो मेरी ट्रेन तो है लेट नाइट, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा कल, एक भी वीडियो नहीं बनाऊंगा, ना गुड मॉर्निंग ना गुड आफ्टरनून ना। और अब मैं फोकस करूंगा अपने खुद के काम पे, बहुत हो गया समाज सेवा, चैनल भी बना के देख लिया, लोगों में थोड़ी सी भी ये नहीं है कि एक इंसान आपके लिए खुद सब काम छोड़ के, आपका अपने काम छोड़ के वीडियो बना रहा है, और वो भी इस लेवल का नॉलेज आपको शेयर कर रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपका कोई ड्यूटी नहीं बनता, तो मेरी भी अब ड्यूटी नहीं बनती है। तो मैं गुरुवर से माफ़ी मांग लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना काम अब अपने लिए जीना सीखूँगा, बेटर है। और कोई डायलॉग वाले व्हाट्सएप मत करना, तुरंत ब्लॉक करूँगा, सर हम क्यों, क्या होगा हमारा, तुम लोगों के कारण से ही ऐसा हो रहा है, तुम लोग जो इतने मतलबी हो गए हो, जो खाली खुद का देख लिया और उसके बाद जान दो भाड़ में जाओ, ना लाइक का बटन दबा देना, वो भी तुमको तकलीफ़ होती है बटन दबा देना, तो मुझे भी तकलीफ़ होती है वीडियो बनाने में, मैं भी अपने अपने फैमिली पे फोकस करूँ ना, अपना काम पे फोकस करूँ। वाई शुड आई मेक वीडियोज़, सो दिस आई हैव परमानेंटली डिसाइडेड। हो सकता है मैं पूरा चैनल ही 2 4 5 6 महीने के लिए ऑफ कर दूँ, और सिर्फ यहाँ ट्रेनिंग का डालूंगा, तो वो तो आप लोग देखोगे नहीं, क्योंकि वहाँ आपको आना ही नहीं है ना, आपको तो बस वो कॉल्स देखना और खेलना है। तो लेट अस स्टार्ट, इसको लेक्चर मत समझना, ये आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। जैसा मेरी सोच है वैसे अपनी भी रखो। तो ये निफ्टी, निफ्टी में देखिए डाउन ट्रेंड में एक हैमर या स्पिनिंग टॉप बोल सकते हो, उसको हाफ स्पिनिंग टॉप हाफ हैमर रही, तो ये अपने आप में रिवर्सल पैटर्न, तो ये क्लियर कट बता रहा है निफ्टी कल से बुलिश टोन में आ जाएगी। और 858 का ओपनिंग हुआ, 895 का हाई बनाया और 802 का लो बनाया, 800 के लेवल को बचाया इसने, और 872 पे क्लोज किया ऑलमोस्ट हाई के आसपास, क्योंकि 895 का हाई है, और पॉजिटिव क्लोजिंग हुई आज, दैट्स अ गुड वन फॉर निफ्टी। तो निफ्टी में ज़्यादा कुछ बोलने को तो है नहीं, लेकिन फिर भी इतना बता सकता हूँ कि निफ्टी, बैंक निफ्टी के कारण ही आज निफ्टी को बढ़ना पड़ा, वो मैंने आप लोग को वीडियो में भी कल भी बोला, आज भी बोला सुबह, अगर सुना होगा, और मैंने बोला बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्यारह आठ सौ इसका अहम लेवल है ऊपर तरफ जाने के लिए।
जैसे ये 11885 के ऊपर क्लोज देगा, आप मान के चलिएगा ये ऊपर का, इसका ऊपर की गाड़ी फिर से स्टार्ट हो जाएगी 885 के ऊपर क्लोज आते ही, ये बहुत ऊपर जाने की फिर ताकत रखता है। 885, 890 के ऊपर, 890 के ऊपर देखिए इस हाई से, मैंने इस हाई को टच करके 890 के ऊपर अगर निकल गया क्लोजिंग बेसिस कल के डेट में, तो फिर पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और रही बात नीचे, 800 के नीचे क्लोज होगा तो वीक हो जाएगा एक बार, और वीक होने के बाद इसको अगला सपोर्ट सीधा 700 पे ही है, 700 से लेके 650 के लेवल पे सपोर्ट है इसको। उसके बाद ये लेवल आपके लिए बाई जोन भी रहेगा, ये लेवल 650 से 700, लेकिन ये 800 टूट के क्लोजिंग हो तब इधर का सपना देखिए। तो अभी तो 802 का ही आज लो बना है, तो और 890 के ऊपर अगर क्लोज कर देता है तो बहुत तेज होगा ये, मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये निफ्टी है, आप देख, आपके सामने एनालिसिस किया ना, मैंने देखा था ना कुछ किया। तो ये हो गया निफ्टी का, निफ्टी के लेवल्स भी हम निकाल लेते हैं कल के, अपना काम तो करना पड़ेगा ईमानदारी से। और ये वाले भी व्हाट्सएप मत करना सर, आप हम लोग तो करते ही हैं सर, तो ये सब मत करना, तुम और मैं सबको देखने जाता हूँ कौन क्या करता। कोई किसी से गिला शिकवा भी नहीं है, यू डू योर वर्क, बहुत सारे चैनल है, यू कीप वॉचिंग दैट। मेरा तो एक ही सिद्धांत है कि गुरु भी एक ही मानो, मैं 10 गुरु नहीं मानता हूँ, इसको भी मान लिया उसको भी मान लिया, इसके पीछे भी भागना इसके पीछे, वैसे आदमी न घर का रहता है न घाट का रहता है, बस याद रखिए। और ये मेरे एक मित्र को और समझा देता हूँ जो इधर उधर बहुत दिमाग लगाता है। आज क्लोज भी 875 के आसपास ही हुआ है, एग्जैक्टली यही कल के लिए बाई लेवल भी है 875। अबव 875 अगर कल टिके मार्केट 10-15 मिनट, तो आप बाई करके चलिए। और छोटा सा कल के लिए आप लेवल मान लीजिए स्टॉप लॉस का, अबव 875 कल आप बाई करिएगा। और अबव 820, बिलो 820 आप सेल करिएगा, बहुत सिंपल है। कल 15 तारीख है, 15, हाँ 4/15 नवंबर, बाय निफ्टी स्पॉट इफ ट्रेड्स अबाउट 11875, जो कि आज की क्लोजिंग भी लगभग यही है, 73 है ऐसा कुछ क्लोज हुआ आज, 75 ऐसा ही कुछ हुआ, कितना हुआ देख लेते, भूल जाता हूँ ना, 872, तो 875 के ऊपर ही बाय दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा लेवल है। फॉर 15 मिनट्स और मोर स्टॉप लॉस 11820, टारगेट ओपन टिल 3:25 PM। कल 950 का लेवल दिख सकता है ऐसा मुझे लगता है स्पॉट में। स्पॉट का बोल रहा हूँ, नॉट फ्यूचर, फ्यूचर तो 970 भी जा सकता है। 4/15 नवंबर सेल निफ्टी स्पॉट
इफ ट्रेड्स बिलो, ये चैनल बहुत, जब इसका नाम चेंज किया था अभी सितंबर में मैंने, बहुत आशा से किया था कि पब्लिक के लिए दिन रात लगा दूंगा, लेकिन बहुत हो गया यार। मैं रात को 1 बजे भी सोचता नहीं हूँ, 12 बजे भी नहीं सोचता। तो क्या, व्हाट इज़ दिस? ऐसा लगता कि पूरी दुनिया मतलब ही है। 415 नवंबर सेल निफ्टी स्पॉट इफ ट्रेड्स बिलो 11820 for 15 minutes or more। और आज मैं आपको ना लाइक के लिए बोलूंगा ना डिसलाइक के लिए, दबाओ जितना डिसलाइक दबाना, कोई दिक्कत नहीं है। मूड अपसेट है लेकिन ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा गद्दारी नहीं करता हूँ, बता के बोलता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। यार तुम्हारे को एक लाइक का बटन दबाने के लिए डिसलाइक, अरे शेयर नहीं करोगे चैनल को तो क्या मैं जाऊं हर जगह कि मेरा चैनल देखो भैया? तो ये है निफ्टी का लेवल कल के लिए। आप चाहो तो इसकी फोटो ले लो, चाहो तो नोट डाउन कर लो, आपकी मर्जी। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये क्लियर कट डाउन डाउन कैंडल के बाद एक हैमर बना, क्लियर कट हैमर, और ये बहुत ही बुलिश हैमर है बॉस, ये बहुत ही बुलिश है। 32,000 तो मुझे नेक्स्ट वीक के फ्राइडे तक लग रहा है, 31,800 प्लस टिल नेक्स्ट वीक फ्राइडे, टिल नेक्स्ट वीक फ्राइडे 31,800 प्लस। 31,500 पे एक रुकावट आएगी, ये भी मैं बोल सकता हूँ, वहाँ अगर रुका तो ठीक है, नहीं रुका तो 800 प्लस। क्लियर कट बुलिश हैमर बना। और बैंक निफ्टी जैसा मैंने कल भी समझाया था, कल 3:30 बजे वाले वीडियो में बोला था कि 400 के नीचे जहां मिले वहां पकड़ लेना इसको, है ना। और खाली एक ही चीज ध्यान रखना कि दो क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए 30,500 के, मैं तो बोलता हूँ एक भी नहीं आएगी, दो का छोड़ दो। कल भी 30,500 के नीचे गया था लेकिन 3,3488 का लो बनाया था लेकिन क्लोज किया 30,541। आज भी 30,338 आया था लेकिन क्लोज किया 749। तो आप समझ सकते हो। और इसका आप चैनल भी बना लेते हैं, आज का हाई लो तो बता दूं भाई, पहले आज 30,615 पे 30,615 वाज द ओपनिंग, 30,789 वाज द हाई, 33,38 वॉज द लो, 30,749 इज द क्लोजिंग। द क्लोजिंग इज जस्ट 40 points बिलो हाई। तो इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलिश कैंडल हैमर। कल ही मुझे 400 से 500 points की तेजी दिख रही, हो सकता है 600-700 points भी बढ़ रहे। और मेरे पास देखो भाई कोई क्लूज नहीं है, कोई इंटरनेशनल, इस समय तो अभी तक तो 4 ही बजी, आप देख सकते हो अभी वीडियो बन ही रहा है, है ना। तो मेरे पास तो इस समय ना SGX रहता है ना कुछ रहता है, ठीक है। तो ये लाइव टैलेंट आपको दिखाता हूँ, और आज का 9:36 का वीडियो भी देख लेना। तो ये देखो इसका अगर मैं ड्रॉ करूँ तो क्लियर कट इसमें 31,500 एक रेजिस्टेंस आ रहा है, 31,500 पे एक रुकावट आएगी, और 30,500 के नीचे दो क्लोजिंग होते आप निकल रहे। मैंने कल भी ऐसे समझाया था यही वाला कि पूरा चैनल में चल रहा, देखिए अपवर्ड चैनल, आज चैनल के नीचे गया लेकिन क्लोज नहीं किया। और आज इसने एक काम और किया है, आप लोग को एक चीज़ और सिखा देता हूँ। मैं हमेशा 2 EM यूज़ करता हूँ, ज़्यादातर 3 यूज़ करता हूँ, 5, 8, 13, क्योंकि हमारे को रोज़ शॉर्ट टर्म व्यू देना पड़ता है कि कल क्या होगा।
5, 8, 13 यूज़ करता हूँ। और देखिए 8 और 13, 13 का देखिए लेवल क्या है, 30,334, और आज का लो कितना है, 30,338। तो 13 पे एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, 13 EMA पे, 8 EMA कल तोड़ चुका था। तो आप देख सकते हो ये दो लाइन आ रही है ना, 2 EMA की लाइन है, ये एग्जैक्टली इस पे सपोर्ट ले लिया। 8 और 13 इज़ वन ऑफ द बेस्ट EMA यू कैन यूज़ इफ़ यू आर अ ट्रेडर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर। चलिए आपको ये भी बता दिया, 5, 8, 13 दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। और अगर मार्केट 5, 8, 13 तीनों के ऊपर है तो समझ लो बुलिश है, कुछ देखना ही नहीं आपको बात। तो बैंक निफ्टी भी क्लियर कट चैनल में है, चैनल का अपर एंड 31,510 है, तो इसके ऊपर निकलेगा तो फिर 31,800 जो मैं नेक्स्ट वीक तक बोल रहा हूँ, यहाँ एक रिकॉर्ड आ सकती है तो आएगी, बाकी नीचे का तो बहुत ही कम चांस है। अब आ जाता हूँ मैं इसका लेवल बना देता हूँ बैंक निफ्टी का, वीडियो भी आज ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, और थोड़ा सा रियली आई एम हर्ट एक्चुअली कि जिस हिसाब से आप लोग इतना, और आप देखो किस किस के चैनल नहीं देखते, जो आपको खुले आम उल्लू बनाते हैं उनके आप लोग देखते हो, तो मैं उसके लिए भी मना नहीं करूँ, लेकिन यार इसको आप शेयर नहीं कर रहे हो या तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मेकिंग वीडियोस, क्या मैं अपने लिए बना रहा हूँ? मुझे तो अगर ट्रेड करना है तो मैं अपने व्यूज़ तो मैं खुद ही जानता हूँ यार। बहुत बुरी से ये तो कल 30,440 के नीचे जाए तब बियरिश होगा इंट्राडे सेल का लेवल, और बाई का लेवल है 749 पे क्लोज किया ना आज, तो 780 के ऊपर कल बाई है और 440 के नीचे सेल है। सीधा यहाँ लिख देता हूँ, 15 मिनट वाला नियम आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ। और 3780 अबव 15 मिनट्स और सेल का लेवल है 30,440। बस बाकी आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इसमें। तो ये है कल के लिए बैंक निफ्टी का, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए चाहे सेव कर लीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस दोनों में, अगर ये बाई बनता है तो ये स्टॉप लॉस हो जाएगा और ये सेल बनता है तो ये स्टॉप लॉस हो जाएगा बस। तो दोस्तों वीडियो यहीं एंड करता हूँ, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। किसी को मेरी बात अगर चुभी भी है तो आई कांट हेल्प आउट नाउ, जरूर मैं कभी कभी कड़वा बोलता हूँ, बट थोड़ा सा अंदर से सोचिएगा कि व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट आई एम गेटिंग। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट मनी, आई एम आस्किंग द लव एंड रिस्पेक्ट, ताकि आप इस चैनल को अपना समझोगे तब ये चैनल सबके पास जाएगा और सबको फ़ायदा होगा, वरना कुछ लोगों के लिए मैं ये चैनल नहीं बनाया। और ऐसा ही करना होता तो मैं यहाँ पे सारे अपनी स्ट्रेटेजीज नहीं डालता, मैं इसको प्योरली बिजनेस बना के खाली ट्रेनिंग में सिखाता। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।